हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह के कोस्टर बना के दिखाएंगे क्रोशिया से। तो ये बहुत अच्छी लगती है देखने में। आप इसको सेंटर टेबल में रख सकते हैं, साइड टेबल में, डाइनिंग टेबल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम चार रंग के ऊन लिया है हमने, तो उसी को घुमा फिरा के बनाया हमने। जैसे ये और ये सिर्फ चार रंग के ऊन से हम बनाया है। तो बस आगे पीछे किया कर लिया कलर को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़े मोटे ऊन से ही अच्छे लगते हैं कोस्टर, तो हमारी ऊन पतली है तो मैंने इसको डबल कर लिया है। अब एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। उसके बाद पांच चेन बना लेंगे। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे तीन चेन बना लेते हैं। तीन चेन बना के डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन बनाते हैं, फिर डबल क्रोशिया दो बार बनाएंगे। फिर एक चेन बनाते हैं, डबल क्रोशिया दो बार बनाएंगे। इस तरह से आठ बार बनेगा हमारा। ये दो दो डबल क्रोशिया आठ बार बनेगा। ये आठ बार हमने दो दो डबल क्रोशिया बना लिया, बीच में एक चेन ले लिया, तो आठ ये खाना हमारा बन गया आठ ये। अब यहाँ पे हम वन टू थ्री थ्री में तीसरे पे जाकर हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये दूसरा धागा हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, जहाँ से शुरू की थी हमने वहीं पे। अब यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे और दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गया हमारा, तीन चेन और दो बार डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेंगे, फिर ये अगले में तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर ये अगले में दो डबल क्रोशिया के बाद जो गैप हो रहा है यहाँ पे फिर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। ये भी पूरा हो गया। अब तीसरा कलर हम लगाएंगे यहाँ पे। तीन चेन बना के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले में जाएंगे,
फिर यहाँ भी चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लिया, फिर दो बार बनाया डबल क्रोशिया। इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कलर चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा दूसरा लाइन भी, अगला लाइन भी हमारा इसी रंग से होगा, इसी कलर से। तो हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके हम यहाँ यहाँ तक आ जाते हैं, बीच में ये चार के बीच में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम सात बार बनाएंगे, तीन का तीन चेन लिया, फिर हम छह डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। ये हमारा ये वाला लाइन बन रही है, पहले चार बार बनाया फिर उसके ऊपर सात बार। तो अब हर एक चार के ऊपर हम ऐसे ही सात बार बनाएंगे। अब हम यहाँ पे चेन नहीं लेंगे, जो हम एक चेन लेते हैं इसके बाद वो नहीं लेंगे। ये हर एक के ऊपर हम सात बार बना लेते हैं, ये इस तरह से इस राउंड को पूरा करते हैं। अब हमारा ये पहला कलर है, उससे हम यहाँ पे किनारी बना लेंगे। ये वाला कलर वापस आ गया यहाँ। अब ये सबके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये वाला जो हमारी किनारी है, हमारा ये वाली किनारी ये बना रहे हैं, सफ़ेद से पहले वाली जो किनारी है, ये सातों के ऊपर हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हम धागे को लेके एक बड़ा सा सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं।
अब यहाँ से नहीं लेंगे हम, यहाँ नीचे से। इस तरह से बनेगा हमारा। एक और दिखा देते, यहाँ से यहाँ पे क्रोशिया यहाँ डाल के यहाँ से पीछे से लेंगे उनको। और ये डबल क्रोशिया, ये सॉरी सिंगल क्रोशिया बन गई, ये हमारा ऐसे बनेगा। अब ये हमारा आखिरी लाइन है, आखिरी दो लाइन मतलब ये वाली लाइन है हमारी। अब ये सफ़ेद में जोड़ लेते हैं। ये हमने जोड़ लिया, इसके अगले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब इसके नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया में हमने दो बार बल लिया धागे को। ये धागा जैसे डबल क्रोशिया में हम एक बार लेते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में हम दो बार लेते हैं धागे को। फिर यहाँ पे डाल के ये धागा को लेके ये हमारा चार बन गई बल। फिर चार, ये दो लिया, फिर ये तीन रह गई, फिर धागे को लिया, फिर दो बार लिया, फिर दो रह गई, फिर दो बार लिया। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी हम फिर यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक कोना बना, ये ऐसे हमारा चार कोना बनेगा इस तरह से। ये चार कोना बनेगा हमारा। और डबल क्रोशिया इसके बाद, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया भी एक साथ तीनों को ले लेते हैं ऐसे। फिर दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे फिर जैसे ये बना ऐसे ऐसे बनेगा। मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिया जहाँ से हमने शुरू की थी, दो बार हमने हाफ डबल क्रोशिया
सॉरी दो बार हमने सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया दो बार, दो बार डबल क्रोशिया, दो बार ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन लिया, फिर दो बार ट्रिपल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, दो बार हाफ डबल क्रोशिया, दो बार सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे दो बार सिंगल क्रोशिया, ऐसे दो दो बार बनेगा हमारा, फिर दो बार हाफ डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, और दो बार फिर ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया में ऐसे दो बार लेते हैं, ये हमारे ये चार हो गई, फिर दो लिया, फिर तीन बचा, फिर दो बार ऐसे लिया, फिर दो बचा, फिर दो का एक किया, ऐसे इसमें भी ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया। एक चेन लिया, फिर दो बार ट्रिपल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा कोना बनेगा, ये पहला कोना बना था हमारा, ये हमारा दूसरा कोना बना ऐसे। अब ऐसे ही यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा ऐसे। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया दो बार, यही हमारा कंटिन्यू होती रहेगी। अब ये हमारा तीसरा कोना बना, एक दो तीन, ये चौकोर बन रहा है हमारा। मतलब हर कोने में हम ट्रिपल डबल क्रोशिया लेंगे, दो बार लेंगे ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर दो बार ट्रिपल क्रोशिया, ये हर कोने में होगा हमारा।
अब इसके बाद एक लाइन बनेगी हमारी, यहाँ पे जोड़ के इसको यहीं से हम तीन चेन ले लेंगे। अब ये सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीन चेन बन गई, अब इसके अगले में हम डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारा कॉर्नर आ गई जिसमें हमने चार बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया था बीच में एक चैन लेके, इसमें हम चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर कॉर्नर में। बस एक दो और बीच में एक चैन लेंगे, फिर दो बार। और बाकी सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, जैसे इसमें हमने चार बार बनाया कॉर्नर कॉर्नर में वैसे। ये पूरा कंटिन्यू कर लेते हैं हम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।